हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं द्वितीय भाषा शिक्षण की समस्याएं पार्ट टू, प्रॉब्लम्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग पार्ट टू। पार्ट वन में हम विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर चुके हैं पठन ध्वनि संबंधी समस्या पर, अर्थात उच्चारण संबंधी समस्या पर, लेखन अथवा भाषा लिपि समस्या पर। अब हम देख रहे थे पिछले वीडियो में व्याकरण अथवा वाक्य संरचना के विषय में, जिसमें थोड़ा बहुत बता दिया गया था, लेकिन फिर से डिटेल में बता देते हैं कि ये समस्याएं साधारण नहीं होती हैं और पठन पाठन तथा लेखन में अक्सर शब्द तथा वाक्य संरचना को समझना प्रमुख कार्य हो जाता है, जिससे छात्र अर्थ एवं वाक्य को ग्रहण कर सकता है। हिंदी छात्रों के शिक्षण के लिए व्याकरण की भूमिका प्रमुख रूप में रहती है। छात्र एवं शिक्षकों को अपनी मातृभाषा के व्याकरण का बोध होना चाहिए, जिससे हिंदी को सीखने और वाक्य संरचना को समझने में सहायता मिलती है। हिंदी संरचना में लिंग और वचन विकार, विभक्तियां, कर्ता कर्म के अनुसार क्रिया का रूप, विकार के काल के अनुसार मेल लगाने का नियम आदि कठिनाइयां हैं, और इन नियमों के इतने अपवाद हैं कि हिंदी भाषी विद्यार्थी बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं। लिंग और वचन विकार के कारण अहिंदी भाषी प्रायः भूले करते हैं। हिंदी व्याकरण में अनेक देशी विदेशी शब्द हैं जिनका लिंग भी निश्चित नहीं हो सका है और मनमाने ढंग से उनका प्रयोग किया जाता है। व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि तो सिखाए ही जाते हैं, वाक्य की संरचना सिखाई जाती है और शब्द की उत्पत्ति, वर्ण की उत्पत्ति के विषय में तथ्य बताया जाता है। हिंदी भाषा का व्याकरण हिंदी भाषी छात्रों एवं शिक्षकों को भी सामान्य रूप से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि विषम हो जाता है। स्नातक और स्नातक छात्रों को संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय आदि का प्रयोग ठीक प्रकार से नहीं आता, ये बात सबके लिए लागू नहीं होती, लेकिन यथासंभव देखा जाता है। हिंदी व्याकरण भारत की अन्य भाषाओं से भिन्न प्रकार की है, इसलिए इन्हें व्याकरण को समझाना कठिन होता है। इसलिए व्याकरण को इस ढंग से समझाना चाहिए जिससे कि बालक यानी छात्र ठीक प्रकार से और अधिकार प्राप्त कर सकें, अर्थात भाषा का अधिकार प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे हिंदी के प्रति अभिव्यक्ति निर्माण। अहिंदी भाषी प्रदेश के छात्र हिंदी क्यों सीखें, हिंदी क्या है, हिंदी को मातृभाषा के रूप में सीखें या अन्य भाषा के रूप में, हिंदी ना सीखने से क्या हानि है और क्या हिंदी अक्षम और दरिद्र भाषा है। इन प्रश्नों के उत्तर के विषय में भ्रम पैदा किया जाता है और किया जा रहा है। अतः अनेक अहिंदी भाषी छात्र हिंदी को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। छात्रों के मन में हिंदी के प्रति आस्था उत्पन्न करना, इसकी उपयोगिता एवं आवश्यकता बताना अति आवश्यक है। समय को देखते हुए हिंदी का प्रचार प्रसार आवश्यक हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी का लोप हो जाए, इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा। साहित्यिक सम्मेलनों, कवि सम्मेलनों, संगीत गोष्ठियों, प्रतियोगिताओं या प्रतियोगी परीक्षाओं, सम्मेलनों आदि के माध्यम से हिंदी शिक्षण के लिए समुचित शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। हिंदी के प्रचार प्रसार की गति में तीव्रता लाने के लिए विभिन्न भाषा क्षेत्रों में कुछ परिस्थितियां उत्पन्न करना आवश्यक हो जाता है, जैसे कि अधिक संख्या में प्रशिक्षित अध्यापकों एवं प्रचारकों को नियुक्त करना चाहिए, अधिक अच्छी पाठ्य सामग्री का निर्माण किया जाना चाहिए, अधिक उपयुक्त शिक्षण उपकरण का सर्जन किया जाना चाहिए, अधिक विद्यालय और अन्य शिक्षण अधिकरण या अधिक जो होते हैं उपकरण कहें कि योजना का विकास किया जाना चाहिए, सीखने सिखाने के लिए और अधिक उत्साह की परिस्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए। यही नहीं, जहां पर ये कह दिया जाता है कि द्वितीय भाषा के रूप में जहां पर हिंदी होती है और अगर उनके परिवार में कोई हिंदी जानता है तो उससे कह दिया जाता है कि हम भी बता देंगे, और समय आने पर वह भी व्यक्ति नहीं बता पाता है, उस स्थिति में छात्र ना इधर का रहता है ना उधर का और वो खुद नहीं समझ पाता है, इसलिए हिंदी पर भी कमांड
आवश्यक हो जाती है, अधिकार प्राप्त करने के लिए उसमें भी मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट अब पॉइंट में हम देख रहे हैं हिंदी की प्रामाणिकता। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाते समय हम किस मानक हिंदी को पढ़ाएं? प्रादेशिक हिंदी में राष्ट्रभाषा हिंदी का क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक और विस्तृत होगा, क्योंकि प्रत्येक हिंदी अहिंदी प्रदेश में पढ़ाई जाने वाली हिंदी पर उस प्रदेश की भाषा जैसे कि मद्रासी, बंगाली, गुजराती आदि का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इस कारण से जो प्रादेशिक मुहावरे और कुछ शब्द राष्ट्रभाषा की व्यापकता में वृद्धि करेंगे। सभी प्रदेशों के व्यक्ति हिंदी का व्यवहार कुछ अपने लहजे और तरीके से करना चाहेंगे और इस पर हिंदी प्रदेशों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हिंदी का दूसरे प्रदेशों की भाषा से संबंध होना चाहिए, तभी उसे सीखने सिखाने में सफलता प्राप्त होगी और सरलता भी रहेगी। कुछ प्रयोग जो राज्य या प्रदेश की भाषाओं में मान्यता तथा शुद्ध मान्यता प्राप्त हैं और कहें कि शुद्ध हैं, हिंदी में भी शुद्ध समझे जाने चाहिए। इस आदान प्रदान के बल पर ही हिंदी सबके हृदय में स्थान प्राप्त कर सकेगी। अन्य शब्दों में राष्ट्रभाषा हिंदी का रूप मातृभाषा हिंदी की संकीर्णता न लेकर विशालता और व्यापकता से श्रृंगार करेगा। अब प्रश्न ये होता है कि प्रामाणिक हिंदी का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है कि उत्तर प्रदेश में व्यवहार मातृभाषा हिंदी मेरठ और दिल्ली के आसपास व्यवहार में आने वाली खड़ी बोली को ही हिंदी या फिर मानक हिंदी माना जाता है। हिंदी प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान आदि मातृभाषा के नाम से इसी मानक हिंदी को सिखाया जाता है। यदि पंजाब में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जाएगी तो उसमें कुछ शब्द पंजाबी के अवश्य प्रवेश कर जाएंगे और इसी प्रकार बंगाल की हिंदी में कुछ बंगाली शब्द प्रवेश हो जाएंगे। प्रादेशिक भाषाओं का हिंदी में प्रवेश उसकी शुद्धता या समृद्धि का कारण बनेगा। अतः राष्ट्रभाषा हिंदी की व्यापकता पर सभी को हर्ष होना चाहिए, शुद्ध नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हम देखेंगे भाषा की अन्य समस्याएं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से कठिनाइयां के अतिरिक्त और भी व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं, उनका विवरण इस प्रकार से है, जिसमें पहला पॉइंट आता है पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएं, अर्थात पाठ्यक्रम से संबंधित समस्याएं। हिंदी का शिक्षा या हिंदी की शिक्षा कब प्रारंभ की जाए, किस स्तर पर कितना पाठ्यक्रम रखा जाए, साहित्य कितना पढ़ाया जाए और सरकारी कामकाज के लिए क्या सिखाया जाए, इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए या कर लेने से पाठ्यक्रम संबंधित समस्याओं को दिशा मिल जाती है। इन प्रश्नों पर पहले भी बहुत विचार किए गए हैं और अब विचार गहनता से किए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्य पुस्तकों से संबंधित समस्याएं या समस्या। अहिंदी भाषी प्रदेशों की अपनी अपनी विशिष्ट समस्याएं रहती हैं, उनका ध्यान रखते हुए हिंदी की पाठ्य पुस्तकें तैयार होनी चाहिए। दक्षिणोत्तर, पूर्वांचल, पश्चिमोत्तर प्रदेशों की विशिष्ट समस्याओं को दृष्टिगत रखकर ही पुस्तक तैयार करना उचित है। एक ही पुस्तक सभी अहिंदी प्रदेशों के लिए लाभप्रद नहीं रहेगी। मूलभूत शब्दावली का विकास करना, अर्थात जो भी मूलभूत शब्दावली है उसका विकास करना, तुलनात्मक शब्दों की सूची बनाना, शब्दकोश की वृद्धि के लिए शब्दावली नियंत्रण करना आवश्यक है। इन समस्याओं के प्रति सजगता की आवश्यकता होती है। सजगता से तात्पर्य ये है उसमें कोई कमी ना रह जाए, कोई गलतियाँ ना रह जाए, ये सब ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है इसमें अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी अध्यापक। अध्यापक की बड़ी महती आवश्यकता रहती है। हिंदी के उपयुक्त अध्यापकों की व्यवस्था करना भी आवश्यक है। हिंदी अध्यापकों में कुछ सामान्य योग्यता का होना अनिवार्य है।
यह आवश्यक है केरल और आसाम को छोड़कर शेष सभी अहिंदी भाषी राज्यों में राज्य ने हाई स्कूल की सभी योग्यता को पर्याप्त माना है, परंतु सभी प्रदेशों ने हिंदी की योग्यता का स्तर ऊंचा रखने के लिए हिंदी संस्थाओं की उन परीक्षाओं को अनिवार्य कर दिया है जिनका स्तर BA के समकक्ष है। सभी प्रदेशों में हिंदी अध्यापकों को प्रशिक्षित होना आवश्यक माना गया है। हिंदी का पठन पाठन बढ़ गया है, अतः हिंदी के लिए अनेक अध्यापक चाहिए। इन अध्यापकों के लिए वेतन एवं सुविधाओं की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर उचित वेतन की सुविधाएं वेतन एवं सुविधाएं नहीं होंगे तो वे इसे के शिक्षण कार्य में रुचि नहीं लेंगे, जिससे हिंदी अध्यापक बनने में हीन भावना से प्रभावित भी नहीं होंगे। भाषा अपने स्वरूप में वाक्यात्मक है, वाक्य की रचना वाचक एवं द्योतक शब्दों के संयोग से होती है। द्योतक शब्दों में पदों का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। छात्रों एवं छात्राध्यापकों को या उनकी त्रुटियों का मुख्य क्षेत्र कर्तव्य है। यदि इन पर प्रयोगाधिकार प्राप्त कराने के कुछ उपाय बताए जा सकें तो अहिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी के प्रचार प्रसार की गति में पर्याप्त तीव्रता आ सकेगी और उसकी समस्त समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने देखा द्वितीय भाषा शिक्षण की समस्याएं, जिसमें पहला पॉइंट था पठन ध्वनि संबंधी या उच्चारण संबंधी समस्या, लेखन अथवा लिपि संबंधी समस्या, व्याकरण अथवा वाक्य संरचना संबंधी समस्या, हिंदी के प्रति अभिवृद्धि निर्माण, हिंदी की प्रामाणिकता से संबंधित समस्या और अन्य समस्याओं के अंतर्गत हमने देखा पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएं, पाठ्यपुस्तकों से संबंधित समस्याएं, अहिंदी भाषीय क्षेत्रों में हिंदी अध्यापक की समस्या। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।